पूर्वी चंपारण जिले में आए दिन जमीन से जुड़ा विवाद सामने आ रहा है, जिसमें मारपीट से लेकर हत्या तक की घटना हो जा रही है। लेकिन इस जिले में जमीन विवाद से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की ही कार्यशैली संदेह के घर में आ रहा है। जी हाँ, हमारा चैनल तो इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस संरक्षण के फसल की कटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों के हो हल्ला करने पर फसल को काट रहे मजदूरों और पुलिस के जवान भाग रहे हैं। मामला पहाड़पुर थाना के गंगा पीपरा और बतरौलिया गांव के बीच की बताई जा रही है। बताया जाता है कि कल शाम पहाड़पुर थाना पुलिस की निगरानी में एक पक्ष गेहूं की फसल काट रहे थे। जो पक्ष कटनी करने में व्यस्त था, उसी पक्ष ने अरेराज के एसडीओ कोर्ट में जमीन को विवादित बताते हुए निषेधाज्ञा की बहादुरी की धारा 144 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले के निपटारा होने तक उक्ती विवादित जमीन पर भादवी की धारा 145 को लागू करते हुए दोनों पक्षों को विवादित खेत पर जाने से रोक लगाया है। धारा को लागू करते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में लगे फसल की कटाई का नियम है, लेकिन एक पक्ष ने पहाड़पुर थाना पुलिस के सहयोग से खेत में लगे गेहूं की फसल को काट रहे थे, जिस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। देखिए, थाना खड़ा होकर अपने समक्ष में गेहूं कटवा रहा है, देख लीजिए। ये देख लीजिए, हाँ देखिए, ओ देखिए, ओ देखिए, एक गेहूं कटवा रहा है थाना अपने समक्ष में, देखिए।